नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 30 जुलाई का अपडेट है और यहाँ पर BSE को इन्फॉर्म किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो फंड रेज करने वाले हैं किसके जरिए, NCD के जरिए, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए। और कितना फंड रेज करने वाले हैं, 264 करोड़ 80 लाख रुपए यहाँ पर रेज करने वाले हैं। तो क्या कुछ न्यूज़ है गाइस, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, बड़ी खबर है यहाँ पर। और लास्ट में हम लोग चार्ट देखेंगे, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि अगर केवल न्यूज़ देख के आप लेने चले गए शेयर ना तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा गाइस, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए मेरे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अपने वीडियोस के लिंक वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं डालता रहता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो 30 जुलाई 2024 को 6:30 बजे शुरू हुई थी और 7:45 बजे के करीब ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पर इन्होंने अप्रूव किया है अलॉटमेंट ऑफ 2648 अनरेटेड अनलिस्टेड सिक्योर्ड NCD ऑफ फेस वैल्यू 10 लाख ईच एट प्राइस इशू जो है वो 10 लाख है। तो 10 लाख इंटू 2648 करेंगे तो आपको एक टोटल अमाउंट मिल जाएगा 264 करोड़ 80 लाख रुपए। यहाँ पर आप वर्ड्स में भी लिखा हुआ है देख सकते हैं, ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। बिल्कुल ये पब्लिक वो नहीं है कि कोई भी पब्लिक यहाँ पर परचेज कर सकती है। और NCD का मतलब क्या है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, यानी कि इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है इक्विटी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंड रेज करने का एक तरीका होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के इतना फंड जो है वो रेज करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए 1.56 रुपये फिलहाल अभी चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि अभी ना ये किसी भी ग्रुप में है, ना ESM में है, ना GSM में है और ना ही ASM में है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये 0.64% डाउन, 1.56 रुपये फिलहाल चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसके अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड की, तो यहाँ पर आपको 5% का देखने को मिल रहा है, यानी कि 5% से ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा सकता और 5% से ज़्यादा ये नीचे नहीं जा सकता। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 270 करोड़ का है मात्र। तो यहाँ पर आपको पता है रिस्क है, 500 करोड़ से कम है, बहुत ज़्यादा छोटा मार्केट कैप है, तो ESM का तो खतरा है ही है। और यहाँ पर ऑपरेटर भी खूब सारे आपको एक्टिव देखने को फिलहाल मिलेंगे। ROC की बात करेंगे 8.18, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है जिस हिसाब से स्टॉक है। ROE की बात करेंगे 6.88, अब रेगुलर जो रेट है उससे तो अच्छा नहीं है, जिला जनरली 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है ये ROE। प्रमोटर होल्डिंग आपको काफ़ी कम देखने को मिल रही है, 15% के आसपास है, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। डेट की बात करेंगे 248 करोड़ का डेट है, जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 1.54, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रिस्की मामला है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसकी रियल वैल्यू है 1.37, वहाँ से आपको 1.56 का देखने को मिल रहा है, उसी के आसपास है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 1.10, तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी 24.5 और स्टॉक का पी आपको 25.2, तो बिल्कुल एट पार चल रहा है उसी के आसपास। 1.16 का लो लगाता है, हाई लगाता है 3.52 का, फिलहाल अभी 1.56 पे आपको नज़र आ रहा है। क्वार्टरली नंबर्स की बात करें, सारी वैल्यू करोड़ में है, अभी जून के नंबर्स नहीं आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.56 करोड़ से क्या तगड़ा जंप देखने को मिला था, 10.70 करोड़, और यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर पर भी आपको जंप देखने को मिला था 5.78 करोड़ से 10.70, यानी कि 10.70 करोड़ है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्च में देखिए 1.60 करोड़ से 2.52 करोड़ वहाँ से जंप देखने को मिला था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको गिरावट देखने को फिलहाल मिली थी। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मार्च 2023 में 101 करोड़ के रिजर्व थे, मार्च 2024 में आपको देखिए 14 करोड़ के रिजर्व बचे हैं, तो रिजर्व जो हैं वो घट रहे हैं फिलहाल। वहीं बोरोइंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1.15 करोड़ 88 करोड़ और 248 करोड़ अभी फिलहाल बोरोइंग देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर देखिए अपने स्टॉक अपने स्टेक को कम करते हुए नजर आ रहे हैं, मार्च वाले से जून वाले में देखेंगे आप 17.74 से 14.86 बचे हैं। और पब्लिक का मामला बढ़ता जा रहा है, और जितनी ज़्यादा पब्लिक उतना ज़्यादा रिस्क, आपको पता है इस तरीके के स्टॉक्स को ऑपरेटर्स आराम से ऑपरेट करते हैं। लास्ट में आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखने को मिलना है, जो कि लगातार आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रिटर्न्स की बात करेंगे तो ईयर टू डेट -41%, 1 वीक 1.96% प्लस में, 1 महीने में 6.5% माइनस में लगभग, 3 महीने में 17% प्लस, 6 महीने में आपकी कैपिटल को लगभग आधा कर दिया इसने 43%, 1 साल में -5%, 2 साल में देखिए क्या बम्पर रिटर्न दिए, 1633 और 3 साल में 3020% के रिटर्न दे रखे हैं। बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम देखिए 1 मंथ का एवरेज 99 लाख है, 1 वीक का एवरेज 84 लाख, यस्टरडे की बात करेंगे 48 लाख, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ 46 लाख, तो वॉल्यूम आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे डिलीवरी की परसेंटेज की, तो यहाँ पर देखिए 87% लगभग है 1 मंथ का एवरेज, 1 वीक का एवरेज है 72% के आसपास। कल अगर आप बात करेंगे तो 77% डिलीवरी उठाई गई है, अभी तो फिलहाल चल रही है मार्केट,
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मान के चलिए 70-80% के बीच में होगी। अब ये देखिए कितने अच्छे खासे टाइम से कंसोलिडेशन वाला फेज इसका चल रहा है, 1.5 रुपये से लेके 2 रुपये की एक रेंज बनी हुई है और 1.5 रुपये पे अच्छे खासे टाइम से मतलब आप देखेंगे कई बार यहाँ पर आप देखिए लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है 1.5 रुपये पे। अगर ये ब्रीच होता है लेवल तो फिर आपको फर्दर और गिरावट देखने को मिल सकती है जिसकी संभावनाएं मुझे कम दिखती हैं एज़ पर माई पर्सनल व्यूज़। साफ साफ बोलता हूँ गाइस मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, वीडियोज़ जो होते हैं ये आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ होते हैं, गलत होने का अधिकार मैं रखता हूँ। एक बार अपने 3 EMAs के ऊपर निकलता है मोटा मोटा पकड़िए 2 रुपये के ऊपर निकलता है तो आपको फर्दर अफ्तर मूवमेंट 3.5 रुपये के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपने मैंने कुछ थोड़े बहुत फंडामेंटल दिखाए, मैं लगातार इस पर अपडेट लेके आता हूँ कोई भी आती है इस तरीके के स्टॉक्स पर, खासतौर से जितने भी पेनी स्टॉक्स होते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं पेनी स्टॉक्स की आती हैं और रिटेलर जो है मैक्सिमम वो पेनी स्टॉक्स में ही फंसते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कई सारी साइट से जो मेन जेन्युइन डाटा है वो आपके सामने रखता हूँ, बाकी करना ना करना तो आपके ऊपर है, मैं उनके प्रॉज एंड कॉन्स आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर भी आपने देखा क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है, आपको सब मैंने आपको सब कुछ दिखाया है ना। RSI की बात करेंगे तो आपको 47.76 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप गए इस तरीके के स्टॉक्स में हमेशा उतना ही पैसा लगाएं जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो, बहुत ज़्यादा कैपिटल अगर आप झोंक देंगे तो सच में बहुत बुरा फंस जाएंगे आप। ठीक है गाइस तो चलिए आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जनरली मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।